नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर एटा से है। इको और मैक्स पिकअप के भीषण भिड़ंत में 2 बच्चों की मौत और 8 लोग हुए घायल। मृत्यु भोज से सम्मिलित होकर लौट रहे थे सभी इको सवार। इको गाड़ी को मैक्स पिकअप ने पीछे से मारी थी जोरदार टक्कर। मृतक और घायल एक ही परिवार के आपस के बताए जा रहे रिश्तेदार। मृतक और घायल गांव कुमरपुर से मृत भोज से सम्मिलित होकर लौट रहे थे बिरामपुर गांव और पुसेपुर के लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को कराया जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती। एटा कोतवाली नगर के सिकोहाबाद रोड के डाडा गगनपुर गांव की है घटना। विकास दुबे एटा से प्राइम न्यूज 24 की रिपोर्ट। कुमार जी, कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये क्या पेड़ भी खा के मतलब आ रहे थे जी, तो मतलब गाड़ी रुकी थी, मतलब कुछ पैसा करने उतरे होंगे सर जी, तो फिर मतलब स्टार्ट होने वाली गाड़ी, तो एक्सीडेंट हो गया पीछे से। मतलब कितने लोग इसमें मौत हुई है? कितने लोग इसमें? लगभग 15-20 आदमी होंगे, 15 आदमी होंगे लगभग, बच्चे से। तो कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 2 बच्चे खत्म हो गए थे। हाँ, और कितने लोग घायल? सब गंभीर ही है। मतलब कितने घायल है इसमें? घायल है मतलब बहुत। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये मतलब बमनई के ही सबसे आगे और नगला पूछा ककरावली आसरौली और ये काशी गांव में, मतलब मंडी के पास में गांव है। एक्सीडेंट हुआ है अभी, क्या है पूरा मामला? ये एटा में सिकोआर रोड की घटना है जी। इको स्पोर्ट से कुछ लोग तेरहवीं लेकर खाकर आ रहे थे घर में। इधर से मैक्स गाजर भर के गाड़ी जा रही थी, दोनों आपस में टकरा गए, 8 लोग इंजर्ड हुए थे इनमें, दो बच्चों की मृत्यु हो गई और बकाया रेफर करा था। तो मृतक और घायल कहाँ कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये हमारे असरौली गांव पड़ता है, ये वहाँ के हैं कुछ लोग बमनौर के हैं।